एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 8 में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को पढ़ रहे हैं और अभी तक इसमें दो वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हम लोग आज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स पढ़ने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में हम लोग दरअसल केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि मेटल किस तरीके से केमिकल रिएक्शन करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने का मतलब कि केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, थोड़ा हम लोगों को मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना होगा कि मतलब केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, ठीक। केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, तो अगर मैं खूब सीधी भाषा में कह दूं कि कुछ मेटल, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के कारण केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के कारण केमिकल रिएक्शन होता है। अब इसके लिए हम लोग थोड़ी बैलेंस याद होनी चाहिए, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए तो हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो कुछ एटम जो होते हैं, कुछ एटम और कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में सक्षम होते हैं, तो कुछ गेन करने में सक्षम होते हैं। जो, अब ध्यान से बात सुनिए, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन का डोनर हो वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जो इलेक्ट्रॉन को बोरो कर रहा है या फिर एक्सेप्ट कर रहा है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन का ऐसे शेयरिंग होता है और इसी तरीके से एक एटम दूसरे एटम से जुड़ जाता है। जैसे अगर हम एक सिंपल सा रिएक्शन देखें जिसमें H2 जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, H2O, ठीक है, क्या बनाता है H2O, मतलब कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाता है। तो इसमें यह होता है कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है और फिर एक नया प्रकार का कंपाउंड बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं H2O। तो चलिए देखते हैं आज कि मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। हम लोगों को यहाँ पर अलग अलग मेटल्स का जो रिएक्शन है वो अलग अलग चीजों के साथ देखना है। मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मतलब कि मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसा होगा। रिएक्शन विथ वाटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले टॉपिक को करने जा रहे हैं, तो इसमें याद रखने वाली बात है पॉइंट नंबर वन, ठीक है। मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू मेक मेटालिक ऑक्साइड, एंड मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटालिक ऑक्साइड। मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कुछ मेटल लेते हैं हम लोग एक मेटल लेते हैं सोडियम को। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो वो बनाता है Na2O, ठीक है, ये क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड। दूसरा अगर हम एग्जांपल लेते हैं आयरन, आयरन यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो ये बनाता है Fe2O3। अब ये चीज कैसे हुआ आपको मैं बता दूं, आयरन की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है वैलेंसी का। तो 2 लगा F के साथ तो Fe2 हुआ और वो 3 हुआ। इस तरीके से ये, इसको हम लोग कहते हैं आयरन को केमिस्ट्री में अलग अलग जगहों पे फेरस फेरिक कहा जाता है, तो ये फेरिक ऑक्साइड है। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। तो आप यहां पर समझिए, जब मेटल ने मेटल, ये देखिए ये मेटल है, सोडियम मेटल है, फेरस मेटल है, ठीक है। अगर कॉपर तीसरा ले लीजिए भाई, अगर कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा, CuO, कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रिक नहीं होगा सॉरी, ये क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड होगा। तो इस तरीके से याद रखेंगे हम कि अगर मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटालिक ऑक्साइड बनाएंगे। अब यहां से पॉइंट टू, रिमेंबर याद करने वाली बात कि अगर अब इन सब चीजों को, इन ऑक्साइड्स को हम वाटर में ऐड कर दें, अगर इन ऑक्साइड्स को हम वाटर में ऐड कर दें, मतलब कि मेटालिक
मेटालिक ऑक्साइड प्लस प्लस वाटर H2O गिव्स बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम लोग मेटालिक ऑक्साइड को वाटर के साथ ऐड कर देते हैं, मतलब कि NaO को अगर वाटर के साथ ऐड कर दें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा। अगर कॉपर को, ये कॉपर ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और इस तरीके से वो बेसिक नेचर का सॉल्यूशन हो जाएगा। जो वाटर है वो किस नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। एसिड बेस ऐसे कुछ चीजें होती हैं तो बेसिक नेचर का हो जाता है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अपने दूसरे प्रकार के रिएक्शन को देखते हैं, रिएक्शन विथ वाटर। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, देखिए अलग अलग मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ बहुत विगोरसली रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके काफी हीट क्रिएट करते हैं, इवन वो ठंडा हो तो भी। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम है, ये सब इतने हाईली रिएक्टिव मेटल हैं कि ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, उसी वक्त मतलब बम की तरफ ब्लास्ट करके ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और आग पकड़ लेता है इनको। जैसे ही आप सोडियम के टुकड़े को जैसे ही वाटर में फेंकेंगे उसमें क्या होगा, ब्लास्ट टाइप का हो जाएगा, ऐसा लगेगा किसने बम फोड़ रखा है वहां पे। ठीक, तो मेटल्स जो होते हैं अलग अलग, वही जो कॉपर है वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। आयरन है, आयरन को अगर आपको वाटर के साथ रिएक्ट कराना है तो आयरन को कम से कम आपको रेड हॉट करना पड़ेगा, एकदम लाल गर्म करना पड़ेगा, और उसके ऊपर से भाप, पानी नहीं। अब रेड हॉट है तो वहां पर तो पानी जा ही नहीं पाएगा, तो वाटर का वेपर जो है आप सप्लाई कराएंगे तो फिर जो आयरन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फेरस ऑक्साइड बनाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी हाइड्रोजन गैस लिबरेट भी होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और खूब आसानी से मेटल रिएक्ट कर जाता है। लेकिन कुछ मेटल जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अब इसमें जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो उसमें कॉमन सी बात कह दी कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड, लेकिन इसमें कहना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन डिफरेंट कंडीशन, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन डिफरेंट कंडीशन। कंडीशन नंबर वन, यदि वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, जैसे कि सोडियम है, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम प्लस H2O गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर सोडियम का हम रिएक्शन करा दें तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और जो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक, ये बैलेंस नहीं है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस इसमें फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर वही हम आयरन का रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन में वाटर के साथ, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन अगर हम कराएं तो इसको रेड हॉट करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा, रेड हॉट करना पड़ेगा, और तब जाके हमको क्या मिलेगा, Fe2O3 प्लस H2 गैस। ठीक है, ये गैस क्या है, एनवायरमेंट में चला जाएगा, रिलीज होकर के कहां चला जाएगा, एनवायरमेंट में चला जाएगा। लेकिन वही अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरे प्रकार के मेटल की बात करें, जैसे कॉपर है, कॉपर जो है अगर कॉपर को H2O के साथ रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्ट ही नहीं करता है कॉपर जो है। ठीक है, कॉपर जो है वाटर के साथ रिएक्शन जल्दी करता ही नहीं है, और यहां पर क्या मिलेगा आपको, नो रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, इसमें जल्दी रिएक्शन नहीं मिलता है, इवन कि आप यदि वाटर को गर्म करके रखेंगे तो भी, है ना। तो वाटर के साथ जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा कि वो ये है कि कुछ मेटल जो है कुछ और प्रॉपर्टी शो करते हैं, कुछ और शो करते हैं। तो अलग अलग मेटल्स अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं जब उनका वाटर के साथ रिएक्शन होता है तब। ठीक है, डिफरेंट मेटल्स हो डिफरेंट प्रॉपर्टी व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। मैंने उसमें एक पैटर्न देखा कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो काफी तेजी से रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जो थोड़े लेस रिएक्टिव मेटल है उनके लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, वाटर को गर्म करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ ना कुछ को गर्म करना पड़ता है तब जाकर रिएक्शन होता है, और जो काफी लेस रिएक्टिव है या फिर नॉन रिएक्टिव है वो रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे सिल्वर और गोल्ड है,
सिल्वर और गोल्ड ऐसे मेटल हैं जो कि वाटर से लगभग ना के बराबर रिएक्शन करते हैं, लगभग ना के बराबर रिएक्शन करते हैं, तो वो उनको अगर हम छोड़ दें तो रिएक्शन ही नहीं करते हैं, तो फिर उसमें भी वैसा ही नो रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। तो वाटर के साथ अलग अलग कंडीशन है। अगला है हमारा एसिड। क्या होता है जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब, तो इसको भी जरा देख लेते हैं हम। एसिड में दो तीन प्रकार के एसिड होते हैं, एक होता है HCl, HCl को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा होता है H2SO4 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग एसिड मानी जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड काफी स्ट्रॉन्ग एसिड मानी जाती है, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग, काफी मजबूत एसिड होती है। तो इनका हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो पहले हम लोगों को इनका डाइल्यूशन करना होता है। डाइल्यूशन करने का मतलब कि ज्यादा पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इन एसिड्स को गिराते हैं, और जब ये पानी में अच्छे से घुल जाते हैं तो उस वाटर सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूटेड एसिड कहेंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा मात्रा में पानी है और कम मात्रा में एसिड है। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में जब हम लोग डालते हैं मेटल्स को, अब जैसे देखिए जरा, अगर हम सोडियम का रिएक्शन कराएं H2SO4 के साथ तो हमको क्या मिलेगा, ये एक एसिड है, तो हमको मिलेगा Na2SO4+H2, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। तो यहां से एक बात याद कर लेने वाली है कि जब भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जब भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मेटालिक सॉल्ट बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटालिक सॉल्ट, ये क्या है, मेटालिक सॉल्ट, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है, लिबरेट होने का मतलब मुक्त हो जाता है। जैसे फिर आप इसका देखिए, Na का HCl के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, NaCl, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, और फिर हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। NaCl क्या है आपका, सॉल्ट है, इसी को NaCl को ही हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं या फिर टेबल सॉल्ट कहते हैं। हमारे घर में जो नमक है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा NaCl होता है। आगे अगर हम लोग आयरन का रिएक्शन कराएं, ठीक है, आयरन का रिएक्शन कराएं हम यदि Fe+HCl, तो हमको क्या मिलेगा, ये भी एक मेटल है, ठीक है, ये भी एक मेटल है, तो इसका मिलेगा हमको FeCl3+H2 गैस जो का वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, FeCl3 जो होगा वो मिलेगा हमको इस सॉल्ट के तौर पे जिसको आयरन क्लोराइड कहते हैं, और फिर FeCl2 मिलेगा। आयरन की वैलेंसी 2 और 3 दोनों होती है, तो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, तो FeCl2 मिलेगा जो कि फेरस क्लोराइड है, ठीक है, आयरन क्लोराइड है, तो आयरन क्लोराइड एक सॉल्ट हो गया। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है, मोर रिएक्टिव मेटल काफी तेजी से रिएक्ट करेंगे, जो काफी रिएक्टिव मेटल है वो काफी स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करेंगे, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो काफी स्लो रिएक्ट करेंगे, और जो लगभग नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, वो रिएक्शन करेंगे ही नहीं, ठीक है, जो काफी लेस रिएक्टिव है वो काफी देर लेंगे, समय लेंगे, और लगभग ना के बराबर रिएक्शन कर लेंगे। यदि इसमें हम फिर से बात करें कॉपर की, अगर कॉपर की बात करें, हम कॉपर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जल्दी हमको रिएक्शन नहीं मिलेगा, नो रिएक्शन हमको मिलने वाला है, ठीक है। यदि कॉपर के साथ आप रिएक्शन कराएंगे किसका, एसिड का, तो लगभग नो रिएक्शन मिलेगा। तो मतलब मैंने क्या बताया आपको कि अगर मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाए तो दो चीजें बनेगी, एक मेटालिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, मेटालिक सॉल्ट बनेगा, और दूसरा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। हाइड्रोजन गैस क्या होगा, लिबरेट हो जाएगा। आगे है, आगे रिएक्शन विथ बेसेज एंड अल्कलीज, ठीक है, रिएक्शन विथ बेसेज एंड अल्कलीज, तो बेसेज वो होती हैं, वो चीजें होती हैं जो कि एसिड के बिल्कुल ऑपोजिट हो, जो टेस्ट में थोड़े कड़वे हो, ठीक है, तो उनको बेसेज हम लोग कहते हैं, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते। तो
जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्शन लगभग ना के बराबर करते हैं, ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो बेसिस के साथ लगभग ना के बराबर रिएक्ट करते हैं, लगभग नहीं के बराबर करते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि रिएक्शन कर लेते हैं किसके साथ, बेसिस के साथ, ठीक है। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे आप जिंक को देखिए, ZN को देखिए, जब वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है आपको from its compound, एक more reactive atom, less reactive
कंपाउंड से रिप्लेस करके अपने आप को फिक्स कर लेता है. सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो फिर से एक बार समझते हैं, अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल एंड मेक्स इट्स ओन सॉल्ट. सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने के बाद, हम लोग अब एक प्रकार के टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज. और ये इस वीडियो का आखिरी टॉपिक. चलिए अब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को देख लेते हैं. रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसा लिस्ट है जिसमें मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज किया गया है. बहुत सालों तक मेटल्स की प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने इनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज किया कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फिर उससे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मतलब उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम. इस तरीके से करके ये एक लिस्ट बनाई गई. इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, हर एक मेटल की लेखा जोखा रखा जाता है कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है. बस आप ये देखिए कि जो पोटेशियम है वो सबसे टॉप पे है, मतलब इसके जैसा कोई भी मेटल अब रिएक्टिव नहीं है. तो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो कौन है, पोटेशियम है. उसके बाद बेरियम है. बेरियम का मतलब कि वो पोटेशियम से कम रिएक्टिव है लेकिन इन सभी से ज्यादा रिएक्टिव है. फिर आता है कैल्शियम. कैल्शियम इन दोनों से कम रिएक्टिव है लेकिन नीचे पड़े हुए जितने भी हैं उन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. सोडियम अपने ऊपर वालों से कम रिएक्टिव, नीचे वालों से ऐसे. तो इस लिस्ट में अगर आप नीचे की तरफ आएंगे, इधर आप नीचे की तरफ आएंगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि नीचे वाले धीरे धीरे रिएक्टिविटी घटते जा रही है. धीरे धीरे क्या हो रही है, रिएक्टिविटी घटते जा रही है. और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगी. अब यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में. जब कभी भी दो ऐसे मेटल टकरा जाते हैं, जिसमें एक मोर रिएक्टिव हो और एक लेस रिएक्टिव हो, तो मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है. मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है उससे कंपाउंड से और अपना कंपाउंड बना लेता है. जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था इसमें कॉपर नहीं है, कॉपर और नीचे पड़ता है. तो अगर आपको एक दिखा दिया जाए, एग्जांपल दे दिया जाए कि सोडियम का रिएक्शन करा दिया जाए CuSO4 के साथ, तो देखिए मैंने क्या बताया, कॉपर नीचे पड़ता है और सोडियम क्या है, ऊपर है. तो ये मोर रिएक्टिव मेटल इसको क्या करेगा, हटा देगा और रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, Na2SO4, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा. लेकिन अगर यही मैं आपको ऐसा एक रिएक्शन दूं जिसमें आपको ऑलरेडी दिया गया हो कि Mg कॉपर प्लस MgSO4, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट. अब देखिए जरा यहां पर बात समझिए, जो ये कॉपर है, वो मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है. तो इसमें जो है नो रिएक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा, नो रिएक्शन मिलेगा. क्यों मिलेगा भाई नो रिएक्शन, वो इसलिए नो रिएक्शन मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, किससे, मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में, मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है. तो अपने से ज्यादा रिएक्टिव मेटल को कैसे डिस्प्लेस करेगा, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा. एक बार फिर से देख लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं. मैंने जो जो चीजें कंप्लीट की है, मैंने पहला बताया रिएक्शन विद ऑक्सीजन. सारे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं. उन मेटालिक ऑक्साइड को अगर वाटर में आप घुलाएंगे तो वो बेसिक नेचर का वाटर सॉल्यूशन हो जाएगा. आगे रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, रिएक्शन विद वाटर. तो अलग अलग मेटल अलग अलग रेट के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो काफी तेजी से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और जो लेस है वो धीरे धीरे गर्म करना पड़ता है वाटर को तब रिएक्ट करते हैं. कुछ तो इतना गर्म करना पड़ता है कि वेपर हो जाए वाटर, तब रिएक्ट होंगे. और कुछ रिएक्शन करते ही नहीं है, जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब वाटर के साथ लगभग ना के बराबर, ना के बराबर. आप वर्षों उनको पानी में छोड़ दीजिए फिर भी वो रिएक्शन नहीं करते हैं. आगे रिएक्शन विद एसिड. मैंने इसमें ये बताया कि मेटल्स जो होते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं. मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं और मेटालिक सॉल्ट, मेटालिक सॉल्ट का निर्माण करते हैं. आगे रिएक्शन विद बेसिस. मैंने आपको बताया कि मेटल्स जो है वो लगभग बेसिस के साथ ना के बराबर रिएक्शन करते हैं. मेटल्स जो है बेस के साथ ना के बराबर रिएक्शन करते हैं. और कभी काल कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे जिंक है, अल्मोनियम है, ये रिएक्शन करते भी हैं और अपने कुछ डिफरेंट कंडीशन में करते हैं, ठीक है. जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं
तो डिफरेंट कंडीशन में करते हैं, हिट देना पड़ता है और भी कुछ चीजें होती हैं। आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। ये देखिए ये सॉल्ट है तो ये मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को सॉल्ट से डिस्प्लेस करके अपना सॉल्ट बनाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रहा आज का केमिकल प्रॉपर्टी।